नीतीश और तेजस्वी की सरकार के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि शायद इतने बड़े पैमाने पर पहली बार नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे इन सारी चीज़ों पर कि कल किस तरीके से अभ्यर्थी जो सफल हुए उनको नियुक्ति पत्र सौंपी जाएगी, और जो अभ्यर्थी सफल होने के बावजूद उनकी काउंसलिंग नहीं हुई, उन सारे चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा है और हमारे सहयोगी स्नेहा गुप्ता है। सर, किस तरीके से जो कल गांधी मैदान में नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे नवनियुक्त शिक्षकों को, तो क्या कुछ नज़ारा होगा और क्या कुछ जानकारी है कि क्योंकि काउंसलिंग शुरू है और ये कहा जा रहा है कि कितने अभ्यर्थी जो हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है उन्होंने खुद नहीं करवाया है? नहीं, काउंसलिंग शुरू नहीं है, काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है और 1,22,314 के आसपास जो आंकड़ा अतुल प्रसाद जो BPSC के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से जो बताया गया था कि इतने लोग उत्तीर्ण हुए हैं। हालांकि फॉर्म 8 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने भरा था, उसमें से काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम भी फेस नहीं किया था। पास जब 1,71,000 के आसपास में नियुक्तियां रिक्तियां थी, तो एग्ज़ाम जब का परिणाम आया 17 अक्टूबर को, तब ये क्लियर हुआ कि उस समय सामने आई बात थी 1,30,000 के आसपास लोग सफल हुए हैं, लेकिन बाद में वो आंकड़ा 1,22,000 के आसपास हो गया था। अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक, जो कि बड़ी संख्या है, उसके मुताबिक यह है कि 10,000 से ज़्यादा जो सफल शिक्षक हैं, मतलब शिक्षक बन गए थे, उत्तीर्ण हो गए थे, उन्होंने काउंसलिंग ही नहीं कराई है जी। तो योगदान देने की बात तो बनती ही नहीं है, और नियुक्ति पत्र वितरण का तो सवाल ही नहीं उठता है कि उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो पहले से ही 50,000 के आसपास जो 1,70,000 में से 1,22,000-23,000 जो पास हुए थे, तो वैसे ही 50,000 के आसपास में संख्या कम हो गई थी, रिक्तियां रह गई थी। अब 10,000 इसमें से भी लोग नहीं पहुंचे हैं, तो वो रिक्तियां बढ़ करके 60,000 के आसपास हो गई है, जो कि दूसरे चरण में यानी 3 नवंबर से नियुक्ति पत्र वितरण के अगले दिन से जो दूसरे चरण के शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है, विज्ञापन निकला उसके फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें ऐड ऑन होने की उम्मीद है। फिलहाल 70,000 रिक्तियों के लिए ही दूसरे चरण में ये था, आवेदन देना था, फॉर्म भरा जाना था, परीक्षा ली जानी थी, लेकिन अब 50,000 इधर बढ़ गए तो 1,10,000 ये हो गया, 10,000 इधर से हो गए 1,20,000, यानी पहले चरण से ज़्यादा दूसरे चरण में शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। अब रही बात कि 10,000 वो कौन हैं जो कि पास होने के लिए तो इतनी मेहनत मशक्कत किए, लेकिन जब परिणाम आया और वो पास भी हो गए, उनका सपना साकार भी हो गया, लेकिन वो अब योगदान देने नहीं जा रहे हैं, यानी शिक्षक नहीं बनना चाह रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे रीज़न बताए जा रहे हैं, जो कि सुबह में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कि उसमें से कई लोग फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाना चाहते थे, तो वो फाइंड आउट हुआ है तो उसमें वो पकड़े गए हैं, तो वो नहीं आ रहे हैं। कई लोग जो फाइंड आउट नहीं हुए हैं और ये प्रक्रिया चल रही है फर्जीवाड़े का को फाइंड आउट करने की, तो उसमें कहीं पकड़े ना जाएं, इस डर से नहीं आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो दोनों जगह पास कर गए हैं, यानी माध्यमिक में भी और उच्च माध्यमिक में भी, तो उनको एक ही जगह योगदान देना है, तो इसीलिए एक रिक्तियाँ उनकी हो गई। ऐसे हजारों की संख्या, यानी 10,000 के आसपास ये संख्या पहुंच रही है, 10,000 से भी ज़्यादा हो सकती है, तो कुल मिलाकर के 1,10,000 जो सफल जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, जिसमें 28,000 नियोजित शिक्षक भी हैं, उनको CM नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार कल पटना के गांधी मैदान से सांकेतिक रूप से, नीतीश कुमार खुद अपने हाथों से तो सैकड़ों की संख्या उससे ज़्यादा उतना नहीं, चूँकि 1 घंटे का उनका प्रोग्राम है 3 से 4 बजे तक जहाँ तक मुझे जानकारी है, उस दौरान एक सांकेतिक रूप से वो देंगे, बाकी उनके मंत्री वगैरह देंगे, डिप्टी CM देंगे, 25,000 जो 1,10,000 में से हैं उनको गांधी मैदान में डिफरेंट जिले से 900 बसों से शायद बुलाया जा रहा है, जो लोग आएंगे और वो नियुक्ति पत्र वहाँ पर उन लोगों को मिलेगा गांधी मैदान में 25,000 लोगों को। इसके अलावा बाकी सभी जिलों में जो जिलाधिकारी हैं, DO हैं, सब लोग मिल बैठ के उन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, और फिर 3 या 4 तारीख से ही
खबर है कि इसमें से कई लोग जो नवनियुक्त जो पहली बार शिक्षक बने हैं उनको ट्रेनिंग के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और फिर योगदान दिया जाएगा और 2.5 महीने की प्रक्रिया है उनको किस जिले के किस स्कूल में पोस्टिंग होगी। जिला आवंटित हो रहा है लेकिन किस स्कूल में पोस्टिंग होगी ये अभी सॉफ्टवेयर के जरिए होगा और इसके लिए 2.5 महीने का लंबा वक्त लगने वाला है और वो प्रक्रिया शुरू होगी छठ के बाद, चूँकि बीच में दिवाली है और छठ है त्यौहार है। तो ये जानकारी है। अहम बात यह है कि 10,000 संख्या बहुत ज़्यादा होती है जो लोग की सफल होने के बाद भी। कई बार हम लोगों ने देखा है कि 1,000-2,000 शिक्षकों की बहाली हो या किसी और चीज़ की बहाली हो तो उसके लिए लाखों लोग आवेदन देते हैं और यहाँ 10,000 ऐसे हैं जो शिक्षक बन चुके हैं वो लोग भी कई कारणों से नहीं पहुंच पाए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए और वो मतलब उनकी सीट भी रिक्त रह गई। तो हम जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि कल किस तरीके से जो है नीतीश कुमार द्वारा पत्र जो सौंपे जाएंगे। स्नेहा, आप ग्राउंड पे गई थी, क्या कुछ वहाँ का नज़ारा था और क्या कुछ जो शिक्षक जो कल अभ्यर्थी जो आएंगे तो उनको क्या कुछ लेकर के आना पड़ेगा, किस चीज़ पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है और नीतीश कुमार का क्या कुछ कार्यक्रम है, हम चाहेंगे कि आप पूरा जानकारी। देखिए निशा, सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक सारे रूट्स पटना के चेंज कर दिए गए हैं। जहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है यानी कि पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहाँ पे हर तरीके के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम है सबसे पहले तो चारों तरफ जितने 12 गेट हैं सबको नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ तक कि आप ना वहाँ ठेला लगा सकते हैं, ना ऑटो लगा सकते हैं, ना रिक्शा लगा सकते हैं, किसी भी तरीके के वाहन वहाँ पर रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का ये कार्यक्रम है और एक पूरी सरकार का कार्यक्रम है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मशीनरी वहाँ पे मौजूद रहेगी। तो जब पूरी सरकार ही गांधी मैदान में रहेगी तो फिर उसके आसपास की व्यवस्था तो जाहिर तौर पर आपको बता दें कि ये जो वहाँ पे शेल्टर बना है, कुर्सियाँ लगी हैं, चारों तरफ पंखे लगाए गए हैं क्योंकि थोड़ा सा दोपहर के टाइम में गर्मी भी ज़्यादा लगती है, पानी का इंतज़ाम किया गया है, एयर एम्बुलेंस है, चारों तरफ ई टॉयलेट का इंतज़ाम किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई भी मतलब गलत चीज़ लेके अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। जिनको नियुक्ति पत्र मिलनी है वो सिर्फ मोबाइल के माध्यम से ही अंदर आ सकते हैं, मोबाइल ही रहेगा उनके पास। इसके साथ आपके साथ बैग वैग कैरी करने नहीं दिया जा रहा है। अब वो देखना होगा कि अगर उसमें कुछ ज़रूरी सामान है तो शायद ले जाने देंगे, लेकिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान का चारों तरफ का गेट नो पार्किंग जोन में और जो बड़ी बड़ी ट्रक चलती थी उसमें भी तब्दीली आ गई है। उसमें भी आपको बता दें कि ट्रक का जो रूट है वो चेंज कर दिया गया है। 2 नवंबर की सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाढ़ बख्तियारपुर फतुहा मसौड़ी और धनीवा से पटना की ओर आने वाले ट्रकों के परिचालन पर रोक रहेगी, जबकि नालंदा हाजीपुर भोजपुर सारण अरवल जहानाबाद बेगूसराय लखीसराय जिले से पटना की ओर आने वाले ट्रकों के परिचालन पर सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक रोक रहेगी। देखिए बड़ी बड़ी ट्रकें आती हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सामान होते हैं, लेकिन इस तरीके से परिचालन बंद कर दिया गया तो ये भी एक बड़ी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। स्नेहा, इसमें एक ये भी जानकारी है दर्शकों को, आवश्यक सेवाएं जो भी है वो पहले की भांति जारी रहेगी। मतलब आवश्यक सेवाएं कोई भी प्रभावित नहीं होने जा रही, चाहे दूध हो की सेवा हो, एम्बुलेंस हो, उपचार से संबंधित इन सब चीज़ों को कोई प्रभावित नहीं किया जा रहा है और प्रभावित होना भी नहीं चाहिए। सरकार ने इस बात का बखूबी ख्याल रखा है। रही बात गांधी मैदान में क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं, हम थोड़ा सा और ऐड ऑन कर देते हैं कि देखिए 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, 30,000 कुर्सियाँ लगाई गई है और 10 स्टेट हैंगर की बात सामने आ रही है कि वो तीन हैंगर बनाए गए हैं स्क्वायर फीट में, 1.5 लाख स्क्वायर फीट में बैठने के लिए 3 हैंगर बनाए गए हैं। इसके अलावा 10,000 स्क्वायर फीट में मुख्य मंच बनाया गया है, बहुत लंबा है, यानी कि उस पर पूरी सरकार विराजमान होने वाली है उस मंच पर, बड़ा अवसर है, चुनावी साल है, 2024 का लोकसभा चुनाव है और हर चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है वो रोजगार का, नौकरी का मुद्दा रहता है। और आपको याद होगा कि महज 15,000 वोट से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, कम वोट आया था और अगर वहाँ तक पहुँचे थे तो सिर्फ और सिर्फ यूथ को जो उनका आश्वासन था, जो कमिटमेंट था कि हमारी सरकार आते ही हम 10 लाख लोगों को पहले कैबिनेट की मीटिंग की जो पहली कलम चलेगी उससे 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। तो ये सारी
व्यवस्थाएं हैं, ये बातें हैं। इसके अलावा 50 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट, 500 से ज़्यादा पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे और बिना पहचान पत्र, खास बात यह है, कोई भी इंटर नहीं कर पाएगा कल गांधी मैदान में। और कल इनफैक्ट आज शाम से ही, कल शाम तक गांधी मैदान में एंट्री भी बैन है आम लोगों के लिए। वो सारी चीज़ें कर दी गई आप वहाँ से आई हैं। क्या कुछ जो है लेकर के आना पड़ेगा, दस्तावेज क्या लेकर आना पड़ेगा? नहीं नहीं, दस्तावेज देखिए उसमें तो जैसे कि स्टेडियम में क्रिकेट मैच हो रहा है, कभी देखने गई होंगी, मैं देखने गया था तो कोई भी पानी बोतल हो या कुछ भी लोहे का या कुछ इस तरह का सामान हो जिससे कुछ मतलब चोटें हो सक पहुँचाई जा सकती है, उस तरह का कोई भी सामान नहीं ले जाया जाने वहाँ पर। मतलब सैकड़ों की संख्या में वॉशरूम बनाया गया है, पानी की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था की गई है। इसीलिए बोला गया है उन लोगों को कि आप लोगों को जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों को कैरी ऑन करके लाने के लिए। कुछ लोग जो बाहर से आते हैं वो अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाते हैं, तो जो या तो वो बस में रख देंगे या फिर जो उनके साथ कोई आते हैं या कोई यहाँ पे है तो उनके पास रख देंगे। अंदर जाने की एकदम सख्त मनाही है, एकदम चेकिंग होने के बाद ही तब उनको एंट्री करने दिया जाएगा। और जो शिक्षकों का जो गेट संख्या है किससे एंट्री कर सकते हैं, तो 4, 5, 7 और 10 यहीं से टीचर्स जो भी हैं उन लोग अंदर जा सकते हैं। और पानी पीने के लिए वाटर एटीएम हो, टैंकर हो, सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। पानी का बोतल बिल्कुल नहीं ले जाना है। 200 अस्थाई टॉयलेट बनाए गए हैं, वॉशरूम बनाए गए हैं, मतलब बड़ी संख्या में, मतलब काफ़ी ख्याल रखा गया है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। उस चूँकि एंट्री एक बार हो गई तो फिर एग्जिट कार्यक्रम समापन के बाद ही होगी, तो वैसे में 300 बसों की पार्किंग की व्यवस्था वहीं पे गांधी मैदान के पूर्वी हिस्से में ही की गई है, तो इस तरीके से है। और जो भी बस हैं उनके लिए भी स्पेशल गेट से 10 कहा जा रहा है कि उसी गेट से बस का आना जाना होगा, मतलब एंट्री कर सकते हैं। और जो 900 बस आने वाले हैं तो बाकी बसों को 300 को यहाँ पर, 600 को जेपी गंगा पथ पर वहाँ पर पार्क करने की व्यवस्था की गई है। 1 घंटे का प्रोग्राम है। शिक्षकों के बैठने के लिए 3 कतार बनाए गए हैं, 3 रो बनाए गए हैं, ABC, इसमें शिक्षक रखे बैठेंगे। और 3 से 4 बजे के बीच में मेन कार्यक्रम है जिस समय नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बाकी मंत्री लोग नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। तो देखिए कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। और ये दिन नीतीश और तेजस्वी की सरकार के लिए काफ़ी अहम दिन है क्योंकि शायद इतने बड़े पैमाने पे पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हालांकि BPSC के थ्रू जो शिक्षक अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दी थी उस पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था, लेकिन अब जब नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा इसके बाद की तस्वीरें क्या कुछ होगी ये देखना लाजमी रहेगा। पर कल का दिन पटना के लिए और पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र बटेगा शिक्षकों के लिए काफ़ी अहम दिन रहेगा। बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप IVTV देख रहे हैं। धन्यवाद।